नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं। जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग मैंने सबको लिया हुआ है, इसमें सभी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम समय में बताऊँ ये सब, क्योंकि आपका समय हमारा समय बहुत ही बहुमूल्य है। एग्ज़ाम का कोई पता है नहीं कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपको कोर्स आपका पूरा करवाऊंगा। हमारे इस चैनल पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सभी शॉर्ट में दी जा रही हैं और सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार की जा रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान संबंधित जितनी भी संस्थाएँ हैं वो आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद में कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएँ होंगी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं होंगी। चौथे नंबर पर परमाणु अनुसंधान संस्थाएं हैं। उसके बाद में अन्य अनुसंधान संस्थाएं हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आप सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखेगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। साइंस की मैं सुपर 30 की क्लासेस चला रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। सुपर 30 में 30 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हुए मैंने, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाएँ। लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये कोलकाता में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है चंडीगढ़ में। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे, अब दूसरे नंबर पर देखेंगे कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं। कृषि के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान होते हैं, जो संस्थाएँ आती हैं उनके अंतर्गत, वो सभी मैंने लिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहला है गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कोयम्बटूर में है ये संस्था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, ये पड़ता है लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये पड़ता है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में पड़ता है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरे नंबर पॉइंट पर है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये पड़ता है अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंदौर में है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये थुम्बा केरल में पड़ता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम में है, त्रिवेंद्रम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये पड़ता है बेंगलुरु में। अब देखेंगे नंबर चार, परमाणु अनुसंधान संस्थाएं। परमाणु के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं जहां पर भी हैं वो सभी हमने इसमें लिया हुआ है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम में है, तमिलनाडु में पड़ता है। रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर, ये डिब्रूगढ़ असम में है। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे मुंबई में है।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये पड़ता है अहमदाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट अन्य अनुसंधान संस्थाएं देखेंगे। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में पड़ता है। वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये पुणे में है। नेक्स्ट सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, ये पड़ता है चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, रुड़की में पड़ता है। ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर डायरी, ये पड़ता है हैदराबाद में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है इज्जत नगर में। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। तो आज दीजिए इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।